हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हमने ये तोरण पट्टी बनाई है। आप इसको तोरण पट्टी में भी यूज़ कर सकते हो और इसका आप हेयर बैंड भी बना सकते हो। दोनों में ही बहुत सुंदर डिज़ाइन लगेगा। तो डिज़ाइन पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे डाले हुए डिज़ाइन देख सकते हैं, जिसमें हम सिलाई और क्रोशे के ही डिज़ाइन बताते हैं। तो ये देखिए, ये बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन, बहुत नाजुक और जल्दी बनने वाला डिज़ाइन है। इसको आप ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि इसको आपने कैसे बनाया है। तो आइए देखते हैं इसको हमने कैसे बनाया है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमने पहले यहाँ पर चैन बनानी है 20। तो 20 चैन हम बना लेते हैं। ये देखिए, ऐसे करके हमने चैन बनानी है। बीस चैन बनाने के बाद में हमने चार चैन यहाँ पर एक्स्ट्रा बनानी है। एक, दो, तीन, चार। ये देखिए, और इस चैन के अंदर हमने क्रोशे डालना है और यहाँ पर ऐसे करके एक, दो, तीन, चार। चार बार ऐसे करके हमने पफ बनाना है। फिर इसको हम यहाँ पर क्रोशे के ऊपर धागा लेंगे और इसी के अंदर हमने एक और यहाँ पर ऐसे करके एक, दो, तीन, चार, चार के चार हमने एक साथ इसको निकाल देना। ऐसे करके यहाँ पर हमारा ये पफ का डिज़ाइन बन जाएगा। अब ये वाला पफ बनाने के बाद में हमने यहाँ पर चैन बनानी है। तो चैन हम यहाँ पर आठ बनाएंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ। आठ चैन बनाएंगे। आठ चैन हमने यहाँ पर स्किप करनी है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। नौवीं चैन के अंदर हमने इसको डालना है। देखिए, और स्लिप नोट से हम इसको यहाँ पर बंद कर लेंगे। फिर हमने यहाँ पर आठ चैन और बनानी है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। क्रोशे के ऊपर धागा लेंगे और आठ चैन यहाँ पर स्किप करते हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। यहाँ पर हमने इसके अंदर क्रोशे डालेंगे और पफ हमने यहाँ पर बनाना है। एक, दो, तीन, चार। फिर हम यहाँ पर पूरे जितनी स्टिच हमारे पास हैं सबको एक साथ निकाल देना है। देखिए, यहाँ पर इसको निकाल देते हैं। फिर यहाँ पर एक चैन बनाएंगे और इसी के अंदर एक पफ हमने और बनाना है। एक, दो, तीन, चार। पूरा हमने एक साथ इसको ऐसे करके निकाल देना है। यहाँ पर हम एक चैन बनाएंगे। देखिए, इस तरह से करके हमने दोनों साइड अपना डिज़ाइन बनाया है। तो ये वाला पफ भी हमने ऐसे चैन बना लेनी है। अब हम फिर यहाँ पर चार चैन बनाएंगे। एक, दो, तीन, चार। देखिए, और लास्ट वाली चैन के अंदर यहाँ हमने क्रोशिया डालना है। ऐसे करके हम यहाँ पर यहाँ पर चैन नहीं बनानी है। यहाँ पर एक ही चैन बनाएंगे और यहाँ क्रोशिया डालकर हम डबल क्रोशिया इसमें बना लेते हैं। देखिए, यहाँ पर हमने डबल क्रोशिया बना लिया। फिर हमने यहाँ पर एक, दो, तीन, तीन चैन बनाई। इसको हमने घुमा लेना है और इसके बीच में ऐसे ही हमने एक पफ और बनाना है। एक, दो, तीन, चार। चार के चार एक साथ निकालेंगे। फिर एक चैन बनाएंगे, इसी के अंदर एक पफ और बनाएंगे। एक, दो,
तीन चार, यहाँ पर देखिए चार के चार हम एक साथ निकाल देते हैं, यहाँ पर एक चैन बनाएंगे। अब हमने यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ चैन बनाई और इस चैन के यहाँ पर डालकर और स्लिप नॉट से हम इसको यहाँ बंद करेंगे। देखिए अटैच किया, फिर आठ चैन और बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, यहाँ पर लाएंगे और यहाँ पर आने के बाद ऐसा पफ हमने फिर से बनाना, एक दो तीन चार, सबको हमने एक साथ निकाल देना है। एक चैन बनाएंगे, इसी के अंदर दूसरा पफ बनाएंगे, एक दो तीन चार, पूरा एक साथ निकालेंगे। ये देखिए फिर यहाँ पर एक चैन बनाएंगे और यहाँ पर हमने इसके अंदर क्रोशिया डालकर एक डबल क्रोशिया हम यहाँ पर बनाते हैं लास्ट में इस तरह से। फिर चैन बनानी है, एक दो तीन, तीन चैन बनाई और इसको हमने घुमा लेना है और फिर इसके अंदर हमने ऐसे ही करके पफ वाला डिज़ाइन बनाना है। इसके बाद में हमने फिर से आठ डबल क्रोशिया बनाए, आठ चैन बनाई और यहाँ पर क्रोशिया डालेंगे, देखिए, और यहाँ सिंगल क्रोशिया से हम इस डिज़ाइन को ऐसे बना लेंगे। अब आप देखिए हमारे पास में एक दो तीन, तीन डिज़ाइन बनने के बाद में जो चौथी चैन हमने बनाई है इसमें हमारा डिज़ाइन यहाँ पर चेंज हो जाता है। तो अब हमने एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ चैन बनाई, फिर इसके अंदर हम क्रोशिया डालेंगे और यहीं पर हमने स्लिप नॉट से इसको ऐसे करके बंद कर देना है। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा डिज़ाइन चेंज हो जाता है और यहाँ पर इसको जॉइंट कर देना है। तो यहाँ पर ऐसे करके हमने इसको जॉइंट किया। अब देखिए इसके बाद में हमने ये जो हमारे पास में यहाँ पर एक स्टिच बचा है इस चैन के अंदर क्रोशिया डालेंगे और इसको भी हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से ऐसे बंद कर दिया। तो अब ये जो हमने यहाँ पर रिंग बनाया है इस रिंग के अंदर हमने सिंगल क्रोशिया बनाना है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, फिर एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, जो नौवा डिज़ाइन है हमारा यहाँ पर उसमें हमने डिज़ाइन बनाना है, तो इसलिए हमने इसको सत्रह इसके अंदर सिंगल क्रोशिया बनाया है। इस तरह से ये डिज़ाइन बना। अब यहाँ पर हमने फिर से इसको डालेंगे और स्लिप नॉट से बंद कर देना है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, इस पफ के अंदर फिर से हमने पफ बनाना है, एक दो तीन चार, एक चैन बनाते हैं और एक पफ और बनाते हैं, एक दो तीन चार, सबको एक साथ निकालना है, एक चैन बनाएंगे और यहाँ पर इस चैन के ऊपर की तरफ से देखिए यहाँ हमने क्रोशिया डालकर और डबल क्रोशिया हम यहाँ पर बनाते हैं, तो ये यहाँ पर हमारा बेस बन जाता है। इस साइड हमने बेस बनाया, फिर हम तीन चैन बनाएंगे, एक दो तीन, इसको हमने घुमा लेना है और इस जगह हमने फिर से पफ बनाना है, एक दो तीन चार,
चार के चार हमें ऐसे निकाल देना है, एक चैन बनाएंगे और एक पफ हमने और बनाना है। एक, दो, तीन, चार, जितना भी हमारे पास में है इसको सबको एक साथ निकाल देते हैं और फिर हमने आठ चैन बनानी है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ। देखिए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, यहाँ नौवीं चैन के अंदर हमने क्रोशिया डालना है और इसको हम स्लिप नॉट से बंद कर देते हैं। इसको यहाँ पर ज्वाइंट किया और फिर से हमने आठ चैन बनानी है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। यहाँ पर हमने पफ वाला डिज़ाइन बनाना है। एक, दो, तीन, चार, सबको एक साथ निकाल देना है, एक चैन बनानी है और फिर से एक पफ और बनाना है। एक, दो, तीन, चार। देखिए, यहाँ पर एक चैन बनाएंगे और यहाँ हमने एक डबल क्रोशिया हम यहाँ पर बनाते हैं। इस चैन के अंदर हमने क्रोशिया डालते हैं, हम यहाँ पर अब बना लेते हैं इसको। तीन चैन बनाएंगे, एक, दो, तीन, इसको घुमा लेना है और यहाँ पर हमने एक पफ फिर से बना देना है। दो, तीन, चार, एक चैन बनाएंगे और इसके अंदर हमने एक, दो, तीन, चार, फिर आठ चैन बनानी है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। यहाँ पर क्रोशे डालना है और स्लिप नॉट से हमने इसको बंद करना है। फिर आठ चैन बनानी है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, और यहाँ पर पफ वाला डिज़ाइन बनाना है। एक, दो, तीन, चार, इसको हमने पूरा एक साथ निकाल देते हैं, एक चैन बनाएंगे और फिर यहाँ पर पफ बनाएंगे। ऐसे करके हम इस डिज़ाइन को बना लेंगे। देखिए, हमारा जो डिज़ाइन है इस तरह से बनकर तैयार होगा। ये देखिए, दूसरा डिज़ाइन भी हमने यहाँ पर कंप्लीट करना है, ये बटरफ्लाई वाला। तो अब हमने यहाँ पर चैन बना ली है। देखिए, जब हमारी तीन चैन बन जाएंगी तो तीन चैन के बाद में हमने ये वाला डिज़ाइन जो राउंड वाला है ये बनाना है। तो यहाँ पर भी हमने तीन चैन के बाद में डिज़ाइन बनाया है। अब यहाँ तीन चैन हमारी बन गई है तो ये वाला डिज़ाइन हमने यहाँ पर बनाना है। तो आठ चैन हमने बनाई। आठ चैन बनाने के बाद ये देखिए, यहाँ पर हमने क्रोशिया डालना है और इसको हम यहाँ स्लिप नॉट से बंद करते हैं। फिर हमने यहाँ पर आठ चैन बनानी है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, और इसके अंदर हमने यहाँ पर देखिए, इसको हम ज्वाइंट करते हैं। देखिए, इसको हमने यहाँ पर ज्वाइंट किया स्लिप नॉट से, स्लिप नॉट से ज्वाइंट किया। अब हम इसको हल्का से यहाँ से घुमा लेते हैं। देखिए, ऐसे करके हमने इसको घुमाना है और बीच में हमने क्रोशिया डालकर, देखिए यहाँ से नज़दीक से मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ बीच में हम क्रोशिया डालेंगे और इसको भी हमने एक बार ऐसे घुमा लिया। फिर हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाते हैं, इसके अंदर 17। तो 17 सिंगल क्रोशिया हमने बनाकर ये डिज़ाइन ऐसे ही बनाना है जैसे कि हमने ये वाला डिज़ाइन बनाया। इसको यहाँ पर जॉइंट करने के बाद ये देखिए, तो ये जो धागा हमारे पास में है इसको हम यहाँ से घुमाकर बैक साइड से इस साइड लेकर आएंगे। देखिए, ये हमारा फ्रंट है
तो फ्रंट के बैक साइड से हमने धागा लेके इस साइड आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद हमने इसमें 17 सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो ऐसे करके 1, 2, 3, 17 डबल क्रोशिया बनाया है। अब यहाँ पर जो ये वाला डिज़ाइन है इसके अंदर हम यहाँ क्रोशिया डालते हैं और इसको हम स्लिप नॉट से अटैच करते हैं। यहाँ पर क्रोशिया डाला और इसको हमने यहाँ स्लिप नॉट से अटैच किया, तो ये डिज़ाइन हमारा इस तरह से देखिए यहाँ पर बन गया। अब हम यहाँ पर चैन बनाएंगे 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और इससे हम यहाँ इस साइड पफ बना लेते हैं। तो ऐसे करके आपने जितनी लेंथ इसकी बनानी है वहाँ तक आप ये डिज़ाइन कंप्लीट कर लें। तो ये देखिए ये डिज़ाइन हमारा बनकर कंप्लीट हो गया है। आप इसको जितनी लेंथ में बनाना चाहें उतनी लेंथ में आप इसको बनाएं, और इसका यूज़ हम तोरण पट्टी में तो कर ही सकते हैं, इससे आप हेयर बैंड भी बना सकते हो। अगर छोटा बच्चा है बेबी तो आप उसके लिए इसको हेयर बैंड बना सकते हैं। तो यहाँ से हम इसको ज्वाइन कर लें, तो ये देखिए इस तरह से करके आप इसको बना लें। तो इसको आप ज़रूर बनाइए और बताइए कि ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।